और पहले RSS में काम करता था, आज बामसेब में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कैसे आप एकदम से बदल? 2017 में हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेवानगर में घटना हुई जिसको अपन दंगा बोलते हैं। क्या 150 परिवारों के घरों में आग लगा दी है, ये तो मीडिया ने 150 बताया था, पर लगाई तो ज़्यादा घरों में आग होगी। और फिर मैंने एक मंथन किया कि इन्होंने हमने इनको वोट दे के रोटी दे के सरकार में शासन में बिठाला और हमारे लोगों पर ही अत्याचार कर रही है। इस पूरे परिसर में ना सिर्फ ये सभा स्थल है बल्कि यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोगों के लिए अलग अलग पिंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर लोग यहाँ रात में रुकते हैं, सोते हैं। ये उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर तमाम साथी जो हैं 3-4 दिनों से रुके हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल का पिंडाल है, ये अधिवेशन महाराष्ट्र में हो रहा है नागपुर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर महाराष्ट्र का भी एक अलग पिंडाल है। मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बेहतर तरीके से सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, कुछ साथी यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताएं कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? मैं मध्य प्रदेश के जिला सुपरी से आए हैं, नाम विनोद कुमार साकिया जी। आप भी? मैं मध्य प्रदेश से रीवा से हूँ सर, मेरा नाम है एडवोकेट राधेश्याम कोल। अच्छा जी, मैं ST से हूँ, आदिवासी हूँ। जी जी। और आप? मैं कटनी जिले से हूँ, सरमन सिंह पटेल, OBC से हूँ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से प्रदेश महासचिव। मेरा नाम चेतन साख है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का हूँ और पहले RSS में काम करता था, आज बामसेब में काम कर रहा हूँ 2017 के बाद। और मुझे वो अच्छा लगा बामसेब में, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक ही मंच पर हमारे भारत के जो रहने वाले लोग हैं वो एक ही मंच पर दिखे। अगर एक ही मंच पर सब लोग होंगे तो भारत में लड़ाई झगड़ा दंगा धार्मिक जो व्यवस्था है ऊंच नीच की वो नहीं होगी। और RSS में यह होता है कि वहाँ धर्म और जाति गाय इस प्रकार की जो व्यवस्था तैयार की जाती है मुसलमानों के खिलाफ और अन्य धर्म के खिलाफ कि ये हिंदू हैं, हिंदू विरोधी है। और देखा जाए तो इतिहास उठाकर हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्रकारी जो मुगलों ने नाम दिया था वो शब्द है। चाहे वेद देख लो, सूती देख लो, रामायण देख लो, भगवद गीता, तो ब्राह्मणों के कोई सा भी ग्रंथ हो जिसमें हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, पर इस देश में मुगल आए जब हिंदू शब्द का जिक्र किया गया, जो कि सिंधु भारतीय भाषा में सा को हा बोला जाता है, सिंधु नदी जो नाम दिया था सिंधु से उनने हिंदू ब्राह्मणों ने उसको। और धीरे धीरे ब्राह्मणों ने यहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी थे, जो जातियों में बटे हुए थे 6,243 जातियों में, उनको हिंदू बनाना स्टार्ट किया। और हिंदू बनाने के बाद कांग्रेस BJP जो भी ये शासन करने वाले लोग विदेशी हैं DNA के आधार पर। तो हमारा बामसेब का और मेरा यही उद्देश्य है कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और यहाँ के जो मूल निवासी हैं जो अधिकारों से वंचित हैं उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए भारत में, जिसकी जितनी संख्या है उसको अधिकार मिलना, अगर मुसलमान है तो उसको भी मिलना चाहिए, सिख है उसको भी मिलना चाहिए, लिंगायत है उसको भी मिलना चाहिए, आदिवासी है उसको भी मिलना चाहिए, ST का है तो उसको भी मिलना चाहिए, OBC है उसको भी मिलना चाहिए। ये भागीदारी की लड़ाई है। अब ब्राह्मण इस बात को कैसे तय करता है? ये आरक्षण है। आरक्षण किस बात का? हम जमीनी स्तर पर कमजोर हैं इसलिए बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया। जिस दिन हम संपन्न हो जाएंगे हमको नहीं चाहिए आरक्षण। और ब्राह्मणों की ये नीति है मनुस्मृति की कि जो 4 रोटी खाता हो उसको 2 रोटी दो। जैसे कि कंट्रोलों पे आज गेहूँ चावल जो मिल रहे हैं 5 किलो एक महीने में एक आदमी को दिया जाता है। अब 5 किलो आटे में या चावल में या गेहूँ में वो अपना एक महीने का खाना खुराक पूरी कर सकता है क्या? ये मनुस्मृति का जो कानून है कि जो जितना खाता है उसको मत दो, जो उसको कम दोगे तो वो अपना दूसरा अपना दिमाग किसी अन्य काम में नहीं लगाएगा, वो खाने के लिए ही लगाता रहेगा। अच्छा ये बताइए, आप तो RSS के लिए काम कर रहे थे, कब पता चला आपको कि ये ठीक नहीं है और इसमें काम नहीं करना चाहिए? ऐसे कैसे आप एकदम से बदल गए? 2017 में हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेवानगर में एक घटना हुई जिसको अपन दंगा बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का दंगा। उस दंगे से मैंने बहुत सबक लिया
क्या है, उस दंगे में बहुत सी हानियाँ हुई, समस्या हुई, केस हुए और दोनों पक्षों के यानी कि 200-250 लोग एक पक्ष से कोर्ट में यानी कि क्या बोलते हैं मुलजिम बने और जो मध्य प्रदेश का कोई कानून है NSA वो भी लगा, तो उससे बहुत सबक लेते हुए मैंने देखा कि ये तो साला एक दूसरे को मानने के लिए तैयार है। हम रहने वाले वो भी मुसलमान भी यहाँ के हैं और हम भी यहाँ के हैं, अगर यहाँ भाईचारा बनेगा नहीं तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी यानी हमारे बच्चे और मुसलमानों के बच्चे वो दुश्मन बनेंगे, तो दुश्मनी नष्ट करती है, विकास नहीं करती है। तो वहाँ से मैंने सबक लेते हुए बहुत, फिर एक दिन उत्तर प्रदेश में घटना हुई क्या, 150 परिवारों के घरों में आग लगा दी है, ये तो मीडिया ने 150 बताया था पर लगाई तो ज़्यादा घरों में आग होगी। और फिर मैंने एक मंथन किया कि इन्होंने, हमने इनको वोट दे के रोटी दे के सरकार में शासन में बिठा ला और हमारे लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं। तो मैंने जो अपने हमारे एक जो OBC के नेता थे चंदन पटेल, उनसे बोला मैं कि मैंने कि सर ये SC के लोगों पर अत्याचार हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो आप कुछ इसके विषय में करिए, अगर मान के चलो उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है तो ग्वालियर में भी हो सकता है। तो उन्होंने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया और चले गए, रिस्पॉन्ड नहीं है। तो मैंने वहीं मन में तय किया अब इनको छोड़ना है, क्योंकि जो हमारे जो अधिकार है, जो पीड़ा थी ना उसको उठा नहीं पा रहे, तो उनको मैं छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मैं दूसरे संगठनों में काम करता रहा और फिर बामसेब का मुझे पता ही नहीं था, पर किसी एक अनपढ़ व्यक्ति हमारे यहाँ कैलाश साहब, उसने मुझे बताया कि बावन मिश्राम साहब आ रहे हैं। तो मैंने कि कौन है बावन मिश्राम, तो मैंने कि मैं मिलूँगा। तो भैया हमारे गालब सभागार में उनका अधिवेशन था, गया मैं, उनको सुना, वहाँ कुछ मुस्लिम महिला बोल रही थी, तो पहले तो मैंने उनका मजाक उड़ाया, मैंने जो मुसलमान क्या कर रहे हैं इसमें। फिर बाद में धीरे धीरे जब बावन मिश्राम साहब बोले, उन्होंने इतिहास की जो जानकारी दी उससे मेरे पैरों की जो जमीन थी वो निकल गई, कि हम अपने भाइयों से लड़ रहे थे जो DNA के आधार पर हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं कोई संकट के वजह से धर्मांतरण हुए होंगे और हम उन्हीं से के साथ लड़ रहे हैं, पंगा कर रहे हैं, आए दिन मार रहे हैं उनको। तो बस वहाँ से मेरा चेंज हुआ, फिर मैंने तय किया मुझे बामसेफ में ही काम करूँगा। तो मतलब आपने एक इतिहास को जब जाना तब आपको लगा कि ये सही नहीं है और उसके बाद फिर आपने जो है RSS छोड़ दी, अब कैसा महसूस करते हैं? अब ऐसा लगता है कि अपन मानवता यानी कि समता और न्याय, अगर हम ये पूरे देश में अगर हमारे लोग तैयार होंगे तो पूरे देश में जब समता आएगी, स्वतंत्र आएगी, न्याय आएगी तो हम विकसित हो जाएंगे। यानी कि चीन हमसे 1-1.5 साल बाद आज़ाद हुआ, आज अगर वो विकसित देश बना है, क्यों बना है, कि वहाँ समता स्वतंत्रता न्याय है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, एक बड़ी जाति छोटी जाति को मार रही है, जहाँ जो अगर छोटी जाति ताकतवर है तो बड़ी जाति को भी मार रही है। ये व्यवस्था अगर ख़त्म हो जाएगी और हमारा को जो एक दूसरे से नफरत होती है वो जाति के माध्यम से ही होती है, मान के चलो मैं कोली हूँ, अगर मेरे सामने चमार आता है मैं उससे घृणा करूँगा, साला चमार है, तो अगर ये जाति व्यवस्था ही ख़त्म हो जाएगी तो हम एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे और नफरत नहीं करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो अब आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप में ये बात कही जाती है कि हिंदू खतरे में है, आप यहाँ पे सुरक्षित हैं कि हिंदू खतरे में है? मैं उस व्हाट्सएप वाले से ये पूछना चाहूँगा, पहले तो ये साबित करो हिंदू है कौन, अगर भारत में हिंदू कोई है तो साबित करके दिखाए, फिर हम बोलेंगे खतरे में कैसे है, खतरे में तो हमारी रोजगार, रोटी, शिक्षा, अधिकार जी खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं। धर्म ऐसा कौन सा धर्म है जो कमज़ोर है और खतरे में हो सकता है, धर्म तो कोई सा खतरे में नहीं होता। सर मैं वैसे आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा, आगर मालवा जी। तो आप सब लोग यहाँ पर बामसेब के इस अधिवेशन में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? क्या सर बामसेब के जो अधिवेशन में आए, घर से हम आए थे, तो ये यहाँ पे जो सीखने को मिलता है वो हमारे जो भारत देश में जितने भी संगठन है शायद ही कहीं पर मिलेगा। बाकी जो बामसेब की जो विचारधारा है, वो विचारधारा जो बहुजन मूल निवासी समाज है उसमें, वो समाज को काफ़ी प्रभावित कर रही है और ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर हम जो हमारे दुश्मन है उन पर विजय हम बहुत ही जल्द हासिल कर पाएंगे। सर इस देश के अंदर हजारों साल से सबसे पहले ब्राह्मण आया हमारे देश में, उसके बाद मुग़ल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, कई विदेशी आए
और वो विदेशी बाद में और पहले चले गए। सबसे पहले जो ब्राह्मण आया हमारे देश में, वो ब्राह्मण आज भी साजिश के तहत यहाँ अभी जमा हुआ है। तो हम इस संगठन में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस देश के अंदर जो विदेशी ब्राह्मण हैं उसको भगाने के लिए, उसको यहाँ से मुक्त करने के लिए, और हम जो इस देश के अंदर इस देश मूल्यवासी लोग हैं, हम यहाँ अपना इस देश के अंदर स्वतंत्रता, समता, भाईचारा कायम करें। संगठन के माध्यम से जब हमारे संगठन के एक संगठन की शक्ति बनेगी, जब शक्ति बनेगी तो हमारे लोगों में एक भाईचारा पैदा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। देखिए दर्शकों, किस तरह से लोग यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से आकर यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जिस स्थिति में यहाँ पर एक पिंडाल के नीचे इस ठंड में यहाँ पर रह रहे हैं, हालांकि नागपुर में गर्मी हुआ करती है, लेकिन फिर भी यहाँ इस स्थिति में आकर चार दिन रहकर लोग अपने वास्तविक इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इतिहास की का जो वास्तविक ज्ञान है वो उन्हें वामसेप से मिल रहा है। जिस तरह से एक साथी ने बताया कि वो किस तरह से आरएसएस उन्होंने छोड़ दिया, और आरएसएस छोड़कर अब वो राष्ट्र की प्रगति में और वास्तविक रूप से लोगों को जगाने में वो अपना काम कर रहे हैं। अपना स्वयं का किराया लगा के आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो 2000 रुपया देते हैं, तो हमारा ये आई कार्ड बनता है, और जब ये आई कार्ड बनता है तो इस आई कार्ड के माध्यम से हमको तीनों टाइम का भोजन, चाय और यहाँ रहने की, रुकने की सारी व्यवस्था की गई है। तो आपके पैसे से की गई है? हाँ, अपने पैसे सब देते हैं, क्योंकि जब हम लोग वो आज़ादी का कीमत चुकाएंगे, हम लोग कीमत चुकाएंगे, ऋण अदा करेंगे, तब हमको आज़ादी मिलेगी, फालतू में आज़ादी नहीं मिलती। मेन मकसद ये है वामसेप का, जो नागपुर के इस मैदान में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का, ये कोई टाइम पास करने वाला कोई पंडाल या टाइम पास करने वाला कोई ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये मोबाइल है, मोबाइल तो इसको चार्ज किया जाता है, जब इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये मोबाइल काम नहीं करेगा। अब ये मोबाइल हमको चार्ज क्यों करना है, इसका एक उद्देश्य होता है, जो भैया ने बताया है कि खुद अपना पैसा लगा करके और यहाँ इस अधिवेशन में 2000 रुपये जमा करके 5 दिन अपना टाइम, अपने टाइम यहाँ पर दे करके और इस संगठन में और इस अधिवेशन में आए हैं और सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई कर सकता है? ये कोई समस्या है क्या है कि ब्राह्मण जो विदेशी है, जिसको यहूदी भी कहा जाता है, तो जो ब्राह्मणों ने हमारे भारत में हमारी सभ्यता को नष्ट किया, और नष्ट किया, सभ्यता हमारी इतनी थी, पहले कोई जाति, कोई वर्ण भेद, ऊंच और नीच कोई नहीं था, इस भारत भूमि पर समान थे, तो इंसान के जीवन यानी कि तत्व होते हैं, इंसान का जो जीवन है, आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, तो ये चार तत्वों से बना हुआ है, चार तत्वों से, तो इसको जीने के लिए मानवीय जीवन चार तत्वों से बन के हुआ है। चार तत्व यानी अग्नि जो गर्म रहता है, शरीर मिट्टी है, हवा जो सांस लेते हैं, पानी जो खून है, ये चार तत्वों से बन के कड़ा हुआ है, और इसको जीने के लिए चार तत्वों की जरूरत होती है। तो विदेशी ब्राह्मणों ने हमसे ये चार तत्वों को अलग कर दिया। जब किसी इंसान के जीवन से चार तत्व अलग हो जाते हैं तो वो इंसान इंसान नहीं रह जाता है, वो जानवर हो जाता है। तो हम लोग कोट पहने हैं, पैंट पहने, आप भी कोट पैंट पहने हैं, तो आप भी उनकी नज़र में इंसान नहीं, एक जानवर हो। तो ये क्या क्या है चार तत्व जो हमारे महापुरुषों ने चलाए? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये मानवीय जीवन के चार तत्व होते हैं, जो ब्राह्मणों ने हमसे अलग कर दिए। आपके जीवन से समानता हटा दी तो ऊंच नीच हो गया, आपको न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है, भाईचारा नहीं है आप में, समाज में एक दूसरे के प्रति भाईचारा नहीं है, और समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय पर हमारे समाज में द्वारा से हमारे जो लोग जानवर बना दिए गए थे, हाँ, महापुरुषों को इन्हीं पाँच चार तत्वों को स्थापित करने का उनका उद्देश्य था। तो ज्योतिराव फुले से 1848 से लेकर के 1956 तक 108 सालों का जो समय है, हमारे महापुरुषों ने ये लड़ाई लड़ी, और आज तक हमारे वामसेप के माध्यम से ये लड़ी जा रही है। तो हमारे जो पुरखे थे ज्योतिराव फुले से लेके बाबा साहब अंबेडकर की, उनकी समस्या की थी, उनकी समस्या क्या थी? उनकी समस्या ये थी कि हमारे लोगों के खिलाफ अधिकार ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के अनुसार लेके गए थे, इसलिए वो बुला लिए। तो वो धर्म ग्रंथ में जो अधिकार लिखे हैं वो हमारे लोगों के समर्थन में लिखे जाए, इसलिए उन्होंने लड़ाई 1956 तक लड़ी, और बाबा साहब अंबेडकर ने वो बाबा साहब अंबेडकर के समय में वो
हक अधिकार संविधान के द्वारा हमको दे दिए, जब संविधान में हमारे हक अधिकार हमारे समर्थन में लिख दिए, तो अब हमारी क्या समस्या है जो हम नागपुर में खड़े हैं? हमारी भी हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि उनके जो कानून था ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के खिलाफ था,